हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ टुडे एज वेल। तो जैसा मैंने कल आप सबको बताया था कि जिनके पास भी टेक्स्ट बुक्स नहीं है वो जल्दी से जल्दी इशू कर ले और एक कॉपी बना ले जिसके अंदर जो भी आपका होमवर्क या नोट्स होंगे वो, जिसने बना ली अच्छा है और नहीं बनाई तो जल्दी से जल्दी बनाओ, ताकि वरना आपका लोड बढ़ता रहेगा इसके साथ में। जल्द से जल्द बना लो। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डिजीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए, अपनी बॉडी के रिपेयर के लिए या एनर्जी के, हर चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। फिर हमने पूरा था कि सोर्सेस क्या है फूड के, सोर्सेस का मतलब कि कहाँ से मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से सोर्स थे? एनिमल्स और प्लांट्स, उनके प्रोडक्ट्स या फिर एनिमल्स। फिर तीसरा पॉइंट ये था कि जो सी है, सी हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है, किसका? फूड का, है ना। अब अपन पढ़ेंगे, कल फिर हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कि कैसे कैसे प्लांट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहले दो पार्ट अपन ने पढ़े थे कि सीरियल क्रॉप्स, जो कि हम साल में रोज सुबह शाम हर टाइम सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाते हैं, जो सबसे ज़्यादा फूड की तरह यूज़ लेते हैं, वो है सीरियल क्रॉप्स, जिसके अंदर आता है मक्का, चावल, गेहूँ वगैरह। फिर हमने पढ़ा था रूट क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जिनके अंदर जो खाना है वो हमें कहाँ मिलता है, उनके रूट्स में, जैसे कि पोटैटो था, टर्निप्स, कैरेट्स, ये सारी चीज़ें जो रूट के अंदर मिलती है, है ना, जिसको अपन खाते हैं। और इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था कि जो रूट के अंदर जो भी क्रॉप्स होती है उनके अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है, और स्टार्च सबसे ज़्यादा जल्दी से अपन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसका बहुत, इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट इसका, जो कि है स्टेम क्रॉप्स। जैसा हमने पहले पढ़ा सीरियल क्रॉप्स, जो डायरेक्ट ऊपर उगते हैं, जिसको अपन ऊपर से काट के निकालते हैं। फिर रूट क्रॉप्स, जो कि रूट के अंदर। अब स्टेम क्रॉप्स, स्टेम आप सबको पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जो अपने प्लांट का खाना या पानी वगैरह है उसको ऊपर नीचे की तरफ सप्लाई करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ये स्टेम जो है, इस काम के अलावा भी इसके काम है, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है खाने में। जैसे शुगर कैन, गन्ना आप सब ने देखा होगा कि जो गन्ना होता है उसको पूरा का पूरा अपन लेके जूस वूस बना लेते हैं, उसका बहुत सारे और भी, उसको शक्कर वगैरह बनाने में काम आती है शुगर कैन वगैरह। उसके अलावा है जिंजर, जिंजर मतलब अपना अदरक वगैरह, ये सब भी क्या होता है, जो स्टेम होती है ना, स्टेम अपने आप को मॉडिफाई, स्टेम पहले लकड़ी होती है, उस लकड़ी अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है कुछ खाने लायक चीज़ों में, जैसे कि शुगर कैन और जिंजर वगैरह। पर पढ़ते क्या चीज़ है ये, है ना। तो स्टेम क्रॉप्स, क्रॉप्स मैंने आपको बताया था, क्रॉप्स क्या होती है कि जब अपन प्लांट, ऐसा प्लांट जब कुछ खाने लायक बना है, जो अपने को फूड या नरिशमेंट प्रोवाइड करे, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, तो उसको तब से क्रॉप बोलने लग जाते हैं, है ना। तो स्टेम क्रॉप पढ़ते हैं अपन। स्टेम प्रोवाइड द मींस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। स्टेम जो है उनका मेन काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का, किसका? वाटर का, मिनरल्स का और फूड का, नीचे से रूट्स, मतलब पानी क्या होता है, अपन पानी क्या, अपन जो प्लांट होता है उसको पानी देते हैं, पानी अपन ज़मीन में देते हैं, ज़मीन से वो उसके फ्रूट्स वगैरह के पास कैसे जाता है? स्टेम के थ्रू जाता है। सबसे पहले जो पानी होता है वो रूट्स लेता है, अपने अंदर पकड़ता है, खींचता है, फिर वो स्टेम को देता है, और स्टेम के थ्रू वो फ्लावर्स वगैरह में चला जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है स्टेम का? ट्रांसपोर्टेशन, किसका? वाटर्स का, मिनरल्स का, फूड का, रूट्स से लेके ऊपर देना और ऊपर से लेके नीचे लाना, जो भी खाना ऊपर बनता है उसको रूट्स में बांटना। ठीक है, अब एट द सेम टाइम स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू फुलफिल अवर फूड रिक्वायरमेंट्स। जो अब ये स्टेम होती है, इनका मेन काम तो ट्रांसपोर्टेशन का होता है, अब जो स्टेम होती है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है कुछ खाने लायक चीज़ों में, कुछ फूड आइटम्स में। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको मैं बताता हूँ, दीज आर पोटैटोस, जिंजर, टर्मरिक, टारो, एलिफेंट फूड, ऑनियन, गार्लिक, शुगर के, एट्सेट्रा। मतलब बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ पोटैटो, है ना, इसके अंदर क्या होती है कि जो अपन स्टेम में उगाते हैं, है ना, उस स्टेम ही अपने आप धीरे धीरे बड़ी होकर वो एक बहुत बड़ा सा एक गुच्छा बन जाता है, जो उस पोटैटो बन जाता है, बाद में उसको अपन निकाल के तोड़ के खाते हैं, है ना। पोटैटो,
आलू, जिंजर, अदरक, फिर टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, फिर टारो, टारो होता है अपनी अरबी, अरबी जो होती है ना उसको टारो बोलते हैं इंग्लिश में ना। फिर एनिमल्स फूड, एनिमल को देखा होगा तुम लोगों ने, जैसे वो जंगल में से चढ़ते वढ़ते रहते हैं ना, तो वो ज़्यादातर जो डालियाँ होती है ना वो डालियों को पूरा तोड़ के खा जाते हैं, तो वो उनका मेन जो खाना होता है ना उनकी लीव्स नहीं होती, उसकी जो स्टेम होती है ना, जो स्टेम मॉडिफाई हो रही होती है, नई नई बन रही होती है, उसको खाते हैं। तो ये स्टेम जो है वो एलिफेंट का फूड की तरह भी काम में आ रहा है। उसके बाद ऑनियन, प्याज, ये सब नीचे उगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूट में उग रहा है, ठीक है ना, वो स्टेम ही बाद में ऑनियन बन जाती है। ये रूट क्रॉप्स में नहीं आते ना, रूट क्रॉप्स में टर्निप आता था, टर्निप मतलब शलजम, ऑनियन अलग है, टर्निप अलग है। इसके बाद आता है गार्लिक, ठीक, और शुगर कैन, शुगर कैन अपना गन्ना वगैरह है ना, शुगर कैन किस काम आता है, या तो अपने गन्ने का जूस बन जाता है, उससे शुगर बनती है ना, तो खाने के यूज आ रही है। इसके बाद आता है लीव्स, लीव्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट खाना होता है अपने लिए, कैसे, क्योंकि जो भी लीव्स होती है ना उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा विटामिन होता है, जैसे कि कोई सी भी चीज़, कोई सी भी लीफ जो होती है ना, अपन जो भी लीफ खाने में यूज़ करते हैं, जैसे मेथी देखा होगा, मेथी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। पालक वगैरह होता है, जो भी हरी सब्जियाँ होती है, जो भी हरी लीव्स को अपन तोड़ के खाते ना, अब हरी तो नीम भी होती है, नीम को तोड़ के नहीं खाते ना, वो तो कड़वी कड़वी सी लगती है, लेकिन जो भी चीज़ अपन खाते हैं ना, अब नीम भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको खाना चाहिए, उसको पीस वीस के पीना चाहिए, लेकिन खाते तो नहीं है ना उसको। ऐसी जो अलग अलग चीज़ें होती है जो लीव्स अपने आप को खाने में बना देती है, जैसे कि मेथी हो गया, कैबेज हो गया, और स्पिनेच, स्पिनेच का मतलब होता है पालक, ठीक है, अपन पढ़ लेते हैं एक बार, मैं मिटा देता हूँ मैं आपको ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। क्या है अपने पास, अब अगला है पॉइंट, लीव्स, लीव्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट। लीव्स जैसे कि स्टेम का मेन फंक्शन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का, लीव्स का मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन का, है ना। आपने मतलब आगे जाके आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे कि जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के ऊपर कुछ ऐसे छेद होते हैं, छोटे छोटे छोटे, चौपन को दिखते नहीं है, होते हैं, अगर अपन माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करेंगे तो अपन को दिख जाएंगे, तो उसके नीचे जो होता है ना बहुत सारे ऐसे छोटे 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 छेद होते हैं, स्टोमेटल पोर वगैरह तुमने सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा सिक्स क्लास में वगैरह, नहीं आया होगा तो तुम्हारा आगे आ जाएगा, है ना। तो उसमें तुम्हें पता पड़ेगा कि उसके अंदर कुछ छोटे 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 छेद होते हैं, जिसके अंदर से वो सांस अंदर बाहर करते हैं, बाकी तो कोई उनके पास नाक तो बनी हुई नहीं है जिससे वो ले सके, तो वो लीव्स को यूज़ करते हैं। तो लीव्स का मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन करना, और रेस्पिरेशन करते हैं। उसके अलावा सन की जो लाइट्स होती है वो लीव्स पे पड़ती है, कभी देखा रूट्स के ऊपर तो जा नहीं सकती, मिट्टी आ जाती है, स्टेम भी जो है वो लीव्स से कवर्ड हो जाता है, तो उसके ऊपर भी नहीं जा पाती, तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो लीव होता है, तो लीव्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है, वो उससे एनर्जी लेती है और खाना बनाने में यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा, है ना। अब आगे, बट वी गेट फूड फ्रॉम द लीव्स विच इंक्लूड्स स्पिनेच, मेथी, कैबेज एट्सेट्रा। अब उनका मेन फंक्शन तो होता था रेस्पिरेशन का और खाना बनाने के में मदद करने का, है ना। अब वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते कुछ ऐसी लीव्स में जो कि हमारे खाने में काम आती है, जैसे कि स्पिनेच, स्पिनेच होता है पालक, मेथी, मेथी तो मेथी होती है, कैबेज, कैबेज का मतलब होता है गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी देखा होगा पूरा पत्ते से भरा होता है, उसको फिर काट काट के सब्जियां बनाते हैं ना, तो वो सारी पत्तियां ही होती है जो अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर लेती है कि जिसको अपन काट के खा के उससे न्यूट्रिशन ले सकते हैं। न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है। अब अपने पास अगला है फ्लावर्स, ये सारे किस में डिवाइडेड है, उनके पार्ट्स में, समझ पा रहे हो ना। सबसे पहले हो गया कि सीरियल वाला जो ऊपर ऊपर उगते हैं, जिसको काट के खा लेते हैं अपन, है ना। उसके बाद आया रूट क्रॉप्स, के रूट के अंदर क्या उग रहा है। उसके बाद आया स्टेम क्रॉप्स, की स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बना रही है। अब आया फिर लीव्स आई, कि लीव्स अपने आप को मॉडिफाई करके खाने लायक चीज़ें बना रही है। अब ये फ्लावर्स, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसको खाया जाता है, है ना। अब समझो, आगे समझ में आएगा तुम्हें कौन से ऐसे फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट।
सम ऑफ देम प्रोवाइड अस डायरेक्ट फूड। अब जैसे हर पार्ट का अलग अलग अपना अपना काम था, मेन फंक्शन था, उसी तरह फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर, कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट अपने आप कैसे बनता है, कि जो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में रिप्रोडक्शन वाला वो प्रोसेस वगैरह होता है उनका, आगे जाके तुम लोग वो सब भी पढ़ोगे। तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, अपने अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टोर करना, है ना, फ्लावर्स के अंदर होते हैं। अब ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये अपने आप को वापस मॉडिफाई करते हैं, जैसा कि लीव्स ने किया था, स्टेम ने किया था, रूट ने किया था, वैसे वैसे फ्लावर्स भी अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करके वो अपने आप में एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे आर कॉलीफ्लावर, सीमल एटसेट्रा, पेटल्स ऑफ रोज आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड। कॉलीफ्लावर पता है ना, कॉलीफ्लावर मतलब अपना फूलगोभी, फूलगोभी जो होती है ऐसा बड़ा सा फूला होता है, तो ये भी एक डायरेक्ट फूल की तरह ऐसा अपने आप उग के ऊपर आता है, ऐसा नहीं है कि लीव्स वगैरह पे, मतलब कि उस पे लगता है, स्टेम वेम पे कहीं नहीं लगता, डायरेक्ट ऐसा खुल के आता है एक, है ना, कॉलीफ्लावर जिसको अपन एज अ फूड यूज करते हैं। उसके अलावा पेटल्स ऑफ रोज, रोज होती है ना, रोज मतलब गुलाब का जो फूल होता है उसकी भी जो पत्तियां होती है ना, उसको निकाल लिया जाता है एज अ फूड इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जैसे उससे रोज वाटर वगैरह बनता है ना, सुना होगा तुमने, देखा भी होगा, तो और खाने वगैरह में भी यूज किया जाता है एज एन एसेंट, मतलब कि उसका टेस्ट वेस्ट वगैरह, टेस्ट तो नहीं, उसकी खुशबू वगैरह के लिए, समझ पा रहे हो, ठीक है। और अपने पास अगला आता है, पहले इरेज कर लेते हैं, फिर अपने पास अगला पॉइंट है फ्रूट। सब कुछ हो गया, आप बचाई फ्रूट है ना, स्टेम हो गई, लीव्स हो गया, सीरियल्स हो गए, फ्लावर हो गया, अब अपने पास पार्ट बचता है फ्रूट। फ्रूट अपने आप में खाना ही होता है, हर फ्रूट अपने आप में खाना होता है ना, तो फ्रूट्स प्रोवाइड अ स्वीट एंड जूसी फूड, फ्रूट में भी ड्राई और फ्लेशी। फ्रूट जो होता है ना, हमें एक मीठा और जूसी फूड देता है, जिसके अंदर जूस होता है और स्वीट हो मतलब मीठा होता है। फ्रूट्स जो है वो ड्राई यानी कि सूखे हो सकते हैं या फिर फ्लैशी, जिसके अंदर बहुत सारा फ्लैश हो सकता है, जैसे कि केले वगैरह हैं, उसके अंदर बहुत सारा ऐसा मतलब सूखा सूखा होता है, और उसके अलावा एक आम, आम की जो गुठली होती है वो बिल्कुल हार्ड होती है ना, लेकिन उसके ऊपर का जो फ्लैशी होता है तो वो ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड एकॉर्न्स, हेजलनट्स, पीपल्स एटसेट्रा। ड्राई फ्रूट्स तो सबने खाया ही होगा, देखा होगा कि वो जो अपने बादाम होता है, काजू होता है, किशमिश होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है ड्राई फ्रूट्स के अंदर आती है, जो कि एज अ फ्रूट ली जाती है। इसके अलावा आता है फ्लैशी फ्रूट्स इंक्लूड ग्रेप्स, टोमेटोस, बेरीज, प्लम्स, पीचेस। जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर ग्रेप्स आ जाते हैं, टोमेटोस आ जाते हैं और बेरीज आ जाती है। एप्पल, पियर्स, मैंगोस, गुआवास, बनानास आर द सम ऑफ द पॉपुलर फ्रूट्स ईटन एज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसा कि ये जो भी फ्रूट्स है, एप्पल हो गया, पियर हो गया, मैंगोस हो गए, गुआवास, बनानास, ये ऐसे कुछ फ्रूट्स है जो कि शायद पूरे वर्ल्ड में खाया जाता है, सब खाते हैं इसको, है ना। अब अपने पास आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अपन सबसे ज्यादा निर्भर है, कि मतलब ये चीज होगी ना तो अपन काफी मतलब ऐसी चीजें जो अपन बहुत ज्यादा निर्भर है इन चीजों के ऊपर, जैसे कि कोकोनट हो गया, इनको प्लांट सिर्फ एक लगा, एक कोकोनट मतलब कहीं पे भी अगर तुम देखोगे ना तो कोकोनट का एक अकेला पेड़ कहीं नहीं दिखेगा, उस पूरे एरिया के अंदर बहुत सारे कोकोनट के प्लांट उगाए जाते हैं, जिसके अंदर से ऐसे तोड़ तोड़ के निकालते हैं ना। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर होता है जिसके अंदर अपन एक जमीन लेते हैं, उसके अंदर उसी चीज को उगाते रहते लगातार। जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कैरिड ओवर प्योरली फॉर फूड पर्पस, द क्रॉप्स अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड टी, कॉफी, ऑरेंजेस, कोकोनट एटसेट्रा। मतलब कि एक जमीन देख लो, मान लो कि एक होता है कि अपन ने ऐसा आलू लगा लिया, कि एक जगह मैंने आलू लगा लिया, भिंडी लगा लिया, ऐसा एक साथ अलग अलग एक साथ उगता रहा, ग्वारफली वगैरह हर चीज लगा ली, वो अपने आप उगता रहा, अपन एक एक करके लेते रहे।
लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर अपन एक जमीन लेके पूरे में अगर वो लगाएंगे तो ये अपन को कोई प्रॉफिट है। अब मान लो अपन ने टी का प्लांट लगाया, अब एक टी का तुमने उगा दिया बीच में, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? उसकी लीव छोटी छोटी सी लीव्स आएगी, थोड़ा सा आएगा, अपन को उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्रॉप्स वो होती है जिसके अंदर हमें बहुत सारा लगाना पड़ता है और वो एक प्योर फूड का प्रोडक्शन करती है, जिसके एग्जाम्पल है टी, कॉफी, ऑरेंजेस, कोकोनट। ठीक है, अब इसके आगे का जो है एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, कि एनिमल्स के थ्रू हमें क्या खाना वगैरह मिलता है, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। थैंक यू।